हाय गाइस, मेरा नाम है नासिर। आज के स्टूडियो के अंदर यार हमारा सबसे कमाल का चैलेंज होने वाला है। तो यार मेरा और उमर भाई का चैलेंज हो चुका, तो आज किस वीडियो के अंदर जो हार जाएगा यार बहुत ही फनी होने वाला आज किस वीडियो के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यार पीछे डंकी राजा खड़े हुए हैं, और जो हार जाएगा वो यार पूरे 7 चक्कर लगाएगा डंकी राजा पे बैठ के। तो यार सबसे फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वाली वीडियो। तो आप लोग की खातिर यार हम लोगों ने स्पेशल ये मंगवाई है जी गांव से। तो उमर भाई अगर हार गए तो इसके ऊपर बैठ के, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आए हुए हैं आज खेतों में। तो ये पूरा खेत है और पूरे 7 चक्कर लगाए जाएंगे जो हार जाएगा। तो अभी देखेंगे, हमारे पास ये वाला मेरे पास पतंग है और उमर भाई के पास ये वाला पतंग है, तो हमारे होंगे टोटल 3 पेचे। जो दो विन कर जाएगा वो विन कर गया, और जो हार जाएगा वो बैठेगा जी डंकी राजा पर। तो यार देखे, तो उमर भाई के अभी पता नहीं क्या रिएक्शन होते हैं। यार मैं हार गया तो मुझे 7 चक्कर लगाना पड़ेंगे, और यार मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इसके ऊपर बैठने का। ये ना होकर मैं गिर जाऊँ, मेरी टांग टूट जाए, ये मेरे ऊपर आ जाए, कोई पता नहीं क्या पता कि यार कुछ भी हो सकता है आज किस वीडियो के अंदर। तो कोई आइडिया नहीं है। तो जल्दी से अपनी इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं, और उमर भाई पेचे स्टार्ट करो। यार पतंग उड़ाना करने लगे ये स्टार्ट, तो अब बकर भाई स्टार्ट करो। तो अभी यार पतंग उड़ाने लगे हैं और देखते हैं कि यार आज किस वीडियो के अंदर कौन विन करता है, और जो हार जाएगा वो तो आप लोगों को पता है कि उसके साथ क्या किया जाएगा। तो यार आप लोग के खातर हम लोग डंकी राजा को लेके आए हैं वीडियो के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आएगी, एंड पे मज़ा आएगा आज यार देखते हैं क्या बनता। तो देखेंगे यार, नासिर भाई का पतंग भी उड़ चुका है और उमर भाई का पतंग भी उड़ चुका है, तो अभी देखते हैं कि यार कौन सा पतंग विन करता है। तो यार पतंग दोनों ही बहुत खूबसूरत है, तो फाइनली देखेंगे। ओ यार देखेंगे, नासिर भाई का पतंग इतनी जल्दी कट गया यार, ये क्या किया यार इसने, तो फुल प्लान कर लिया कि मुझे डंकी के ऊपर बिठाए, लेकिन यार समझ ही नहीं चली क्या हुआ, 1 सेकंड के अंदर मेरा पतंग कट गया। तो अभी नहीं मैं इसको छोड़ने वाला। ये क्या किया तुमने? ये मेरे पास बहुत तगड़ी ट्रिक है। तो अभी दूसरी बार पेचा करते हैं। तो फाइनली देखेंगे यार, नासिर भाई का पतंग भी उड़ चुका है और उमर भाई का भी। तो फाइनली यार देखेंगे दोनों के पतंग उड़ चुके हैं, तो अभी देखते हैं कि यार किसकी पतंग कटती है। तो यार अभी कोई पता नहीं है कि किसकी पतंग कटने वाली है। तो फाइनली यार देखेंगे पेचे लग चुके हैं, तो अभी देखते हैं कि यार किसकी पतंग कटती है, और यार पेचे भी काफ़ी कमाल के लगे हैं। तो यार ये देखें, उमर भाई का पतंग बिल्कुल ही नीचे बैठ चुका है, लेकिन नासिर भाई का पतंग यार इस वक्त बिल्कुल हवाओं के अंदर है। तो ये देखिए जी, फाइनली नासिर भाई ने नीचे से पेचा लगा लिया, तो अभी देखते हैं कि यार किसकी पतंग करते हैं, और जो हार जाएगा वो डोंकी राइफ। तो फाइनली देखेंगे यार वो वाली पतंग कर चुकी है। तो फाइनली यार देखेंगे दूसरा पेचा मैं विन कर चुका हूँ, तो अभी हमारा होने वाला जी तीसरा पेचा। तो फाइनली यार अभी हमारा तीसरा पेचा होने वाला है, एक उमर भाई विन कर गया, एक मैं विन कर गया हूँ, तो अभी तीसरा पेचा लगने लगा। तो देखते हैं कि कौन विन करता है। यार देखेंगे मैंने पतंग उड़ा लिया, तो अभी देखते हैं कि तीसरा पेचा कौन विन करता है। तो यार अभी देखते हैं कि तीसरा पेचा कौन विन करता है। तो यार ये वाला जी नासिर भाई का पतंग, और ये वाला जी उमर भाई का। तो आज जिसकी पतंग कट जाएगी वो जी डोंकी राजा के ऊपर झूले लेगा। तो फाइनली यार अभी पेचे पड़ने वाले हैं। नासिर भाई हर दफ़ा नीचे से पेचे लगाते हैं और उमर भाई की पतंग काट देते हैं, तो देखते हैं कि अब यार किसकी पतंग करते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना कि यार कौन सा गुड्डा इनमें से सबसे खूबसूरत है। तो फाइनली यार देखे कि पेचा पड़ चुका है, अभी तक किसी की भी पतंग कटी। तो यार ये देखे कि पेचे अभी तक पड़े हैं, और यार गुड्डों की बहुत ही ज़्यादा कस है, अभी तक यार कोई भी नहीं पतंग कटा कटी। तो फाइनली देखे कि यार उमर भाई का पतंग कट चुका है और विन कर चुका है जी यार नासिर भाई। तो फाइनली यार मैं नहीं बैठूंगा डंकी राजा पर, उमर भाई लेंगे जी झूला डंकी राजा पर। उमर भाई अभी रेडी हो जाओ डोंकी राजा के ऊपर झूला लेने के लिए। तो यार काफी ज्यादा मजा आएगा, अगर त्यार से लेना, ये ना कि गिर जाओ, मजा लेते लेते वो तेज भागे और आप गिर जाओ। तो अभी लेके आते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो फाइनली यार उमर भाई हार चुके हैं, तो उमर भाई बैठो रंगी डंकी राजा पर। तो फाइनली यार देखे स्टिक मेरे हाथ में है, ताकि गड़बड़ ना करे, तो राउंड लगाना स्टार्ट करेंगे। यार बहुत ही बड़ा ये आप लोग देख सकते हैं,
कि मैदान है, हम लोग बाहर आए हैं। तो उमर भाई सेट करो इसे। तो ये देखें उमर भाई कुछ इस तरह से बैठ चुके हैं। तो देखते हैं उमर भाई लगाना स्टार्ट करें चक्कर। तो फाइनली आप देखें ये डंकी राज ने भागना। तो फाइनली यार देखा कि उमर भाई काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहे हैं, लेकिन वो चेक करें अभी एक चक्कर कंप्लीट हुआ है। तो उमर भाई जल्दी करो यार, तू ना मार। ये देखें मैं पीछे पीछे होगा तो ये तेजी से भागेगी। तो फाइनली यार उमर भाई डंकी राजा के ऊपर बैठ चुके हैं। तो अभी हम लोग इसे भगाना स्टार्ट करते हैं। तो उमर भाई स्टार्ट हो जाओ। ये देखें तो देखते हैं कितनी की दूर जाती है। मैंने स्टिक पकड़ी है ताकि ये जल्दी से जल्दी भाग सके। तो ये देखें यार देखें तो यार बाप बाप के थक चुके हैं। तो उमर भाई यार चेक करें, मुझे अभी इसकी सवारी करना यार बहुत मुश्किल काम है। तो ये देखिए अभी घास खाना शुरू हो चुके हैं, जिसके है उसको हम लोग वापस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की ये वीडियो यार ज़रूर पसंद होगी, बहुत ही फनी वीडियो बनी है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यार नेक्स्ट वीडियो हम लोग कौन सी बनाएं आप लोगों ने कमेंट करके बताना। ये सिर्फ आप लोग के लिए बनाई है ताकि हम लोग आप लोग को इंटरटेन कर सकें, आप लोग को हंसा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो यार जी जिसने अभी तक नासिर भाई को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हैं नासिर शाह 01। तो वहाँ पे भी आप लोग नासिर भाई को फॉलो कर ले, और जो जो भाई नासिर भाई से बात करना चाहता है वो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकता है, हम लोग उसके मैसेज का लाजमी से रिप्लाई करेंगे। इंस्टाग्राम के आईडी का आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग लाजमी से फॉलो करें। और जी जिसने अभी तक सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।